रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है, इसकी व्याख्या करो। नाभिकीय घटना कहने का मतलब है नाभिक से होने वाली क्रिया है। हम लोगों ने परिभाषा में ही इसको इसका आंसर हम लोग कहीं दे चुके हैं। परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि भारी नाभिकों या भारी तत्वों के केंद्रक से होने वाली घटना है, नाभिक से होने वाली घटना है, जहां से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है। ये नाभिकीय घटना है क्योंकि जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं वो केंद्रक से निकलती है और इसके फलस्वरूप एक नए तत्व की सृष्टि होती है। जब भी कोई किरण निकलेगी, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या गामा भी हम अगर देखेंगे तो देखेंगे तत्व जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे यूरेनियम से पोलोनियम बन जाएगा, रेडियम बन जाएगा, थोरियम बन जाएगा, अलग अलग तत्व बन जाएंगे। तो चेंज कब होता है? जब उसके केंद्रक में चेंज आता है। तो हम देखेंगे कि रेडियो सक्रियता ये नाभिक से होने वाली घटना है और ये बाहरी कारकों पर जैसे कि तापक्रम, प्रकाश, इस तरह की चीजों पर ये निर्भर नहीं करता। जैसे कि आम जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे किसी चीज का दहन करना, जलाना या आम रासायनिक प्रतिक्रिया जो हम लैब में करते हैं, उससे ये बहुत अलग है। वो तापक्रम पर, वो संपर्क में, वो किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। मगर ये रेडियो सक्रियता इन किसी भी तरह के कारकों पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नाभिक से होने वाली क्रिया है। नाभिकीय रेडियो सक्रियता को नाभिकीय घटना इसलिए कहते हैं कि ये केंद्रक से होने वाली घटना है, इसमें नए तत्व की सृष्टि होती है। तीन पॉइंट्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तीन पॉइंट्स देखें, तत्व के नाभिक से होने वाली क्रिया है, तीनों जो किरणें निकलती है अल्फा बीटा गामा। सेकंड पॉइंट, नाभिक में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होकर एक नए तत्व की सृष्टि होती है। बाहरी कारक जैसे तापक्रम, रसायन कोई भी केमिकल्स या प्रकाश, लाइट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक आदि पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस पर अगर निर्भर करता तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होने वाली क्रिया हो जाती, मगर ये केंद्रक होने वाली क्रिया। ये हुआ रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है, उसका व्याख्या। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि रेडियो सक्रियता चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ नाभिक से होती है, तो अल्फा किरणें निकल रही है तो समझ में आता है अल्फा में दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन है। गामा किरणें फोटॉन्स निकल रही, मतलब सिर्फ ऊर्जा निकल रही, ये भी समझ में आ रहा है। मगर बीटा जो है, बीटा में मैंने कहा कि बीटा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो केंद्रक के अंदर में रह ही नहीं सकता है, तो फिर वो उत्पन्न कहां से हुआ, वो निकला कहां से? नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, फिर भी यह बीटा डीके के समय किस प्रकार नाभिक से निकलते हैं। सबसे पहले जान लें बीटा डीके होता है कैसे। हमने पढ़ा कि बीटा डीके या किसी भी तरह का अल्फा, बीटा या गामा कोई भी डीके कब होगा, जब परमाणु का नाभिक जो है वो अस्थिर हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। अनस्टेबल कब होता है? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आपस में जो अनुपात है वो 1.5 से अधिक हो जाए। भारी तत्वों के लिए, मतलब न्यूट्रॉन अधिक हो गया प्रोटॉन की तुलना में, तो ये कैसे अपने आप को स्टेबल की तरह होना चाहेगा? वो चाहेगा कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनने लगे। न्यूट्रॉन जो है वो अपने आप को चेंज करके प्रोटॉन बनाएगा, जिससे न्यूट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन बढ़ेगा। तो ये जब न्यूट्रॉन की कमी होने लगी और प्रोटॉन की अधिकता होने लगेगी, तो दोनों का रेशियो 1.5 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन अधिक था और प्रोटॉन कम था। तो हमेशा इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदलता है, मगर जैसे ही न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलेगा, तो प्रोटॉन में बदलने के बाद चार्ज के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज था और प्रोटॉन तो प्लस चार्ज है, प्लस वन, तो चार्ज को तो हम लोग को बैलेंस करना होता है ना। ये अगर प्लस चार्ज है और ये अगर जीरो चार्ज है, तो अगर हम इस तरह से नीचे में अगर लिखें, ठीक है प्लस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा, माइनस वन चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज हमें देना पड़ेगा? एक माइनस वन, या सिंपल ई माइनस भी लिखने से चलता है। तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन में बदलता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एक कण को जब हम दो अलग अलग कण में तोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऊर्जा हमें मिलेगी, ऊर्जा के रूप में या गतिज ऊर्जा जैसे हम लोग कहते हैं। एक कण आएगा न्यूट्रिनो, इसे हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, ऊपर में एक बार रहेगा। ये क्या है? ये है एंटी न्यूट्रिनो। इसके बारे में अभी हम लोग को डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बस समझ लें कि ये भी एक तरह का मौलिक कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये भी एक तरह का कण है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये जब भी बीटा डीके होता है तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ में निकलता है। तो हमने देखा कि केंद्रक के अंदर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और किसी किसी केस में प्रोटॉन वापस न्यूट्रॉन में बदलते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की सृष्टि होती है, और चूंकि
केंद्रक, केंद्र में तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, एक सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत, उससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उस केंद्रक के अंदर में नहीं रह सकता है। तो वो साथ ही साथ उत्पन्न होने के साथ ही साथ बहुत ही तीव्र वेग से वो केंद्रक से बाहर जाने लगता है। तो जब वो केंद्रक से बाहर जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बीटा डीके या बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अब एक और केस पढ़ लें। कभी कभी ऐसा भी होता है जो तत्व होते हैं जिनकी जिनमें प्रोटॉन अधिक हो जाए और न्यूट्रॉन कम हो जाए, ये जनरली जिनकी मास नंबर 30 से कम होता है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है, प्रोटॉन बदलकर न्यूट्रॉन बनना चाहता है। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के जगह में पॉजिट्रॉन बनेगा, पॉजिट्रॉन प्लस चार्ज। देखिए ये प्लस है यहाँ पर और ये जीरो हुआ, तो इसका चार्ज को बैलेंस करें तो जीरो प्लस वन प्लस, और एक एंटी न्यूट्रिनो के जगह में एक न्यूट्रिनो बना, सिर्फ न्यू लिख रहे हैं, इसको न्यूट्रिनो कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है और इलेक्ट्रॉन प्लस यानी कि एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग बीटा माइनस डीके कहते हैं, बीटा माइनस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। चूंकि यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉजिट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके। तो बीटा डीके भी दो तरह के हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एक माइनस और एक प्लस। बीटा डीके यही हम लोग प्रकृति में हमेशा ज्यादातर देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, और कुछ केसेस में ये भी है जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, मगर दोनों में सब कुछ समान है, सिर्फ चार्ज जो है दोनों का अलग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों को एक दूसरे का एंटी पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं। इस तरह का हर एक पार्टिकल्स का हम लोग जानते हैं एंटी पार्टिकल होता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों की मात्रा नष्ट हो जाएगी और पूरा ऊर्जा निकल जाएगी, इसे हम लोग एनहिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर समझ जाए कि बीटा डीके जो है ये दो टाइप के हो रहे हैं, एक बीटा माइनस और बीटा प्लस। हम लोगों को अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना है। तो बीटा डीके में क्या हो रहा है आप ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान पता चलेगा। बीटा डीके में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, मतलब प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ रही है और न्यूट्रॉन की संख्या एक घट रही है। तो अगर यहाँ पर एक ध्यान दे, जब भी किसी पार्टिकल से, मान लेते कोई एक मेरा पार्टिकल है एक्स जिसकी परमाणु संख्या है जेड और मात्रा संख्या है ए, अगर इसमें से एक बीटा निकल जाए, बीटा माइनस कण बाहर निकल जाए, तो क्या होगा, इसके न्यूट्रॉन एक कम होगा और प्रोटॉन एक बढ़ेगा। तो प्रोटॉन बढ़ने का मतलब परमाणु संख्या बढ़ेगा, तो जेड प्लस वन हो जाएगा। और जब कभी परमाणु संख्या चेंज होता है तो तत्व भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो तत्व था, अगर यहाँ पर परमाणु संख्या 10 है, यहाँ पर 11 हुआ। 10 किसका होता है आप लोग ध्यान देंगे तो नियॉन का होता है, और 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। तो ये इस तरह से मैं समझा रहा हूँ कि ये अलग हो जाएगा। एक्स की जगह में हम लोग यहाँ पर एक नया तत्व लिखेंगे वाई, कोई भी तत्व हो सकता है, एक्स ही हुआ बस, जिसकी परमाणु संख्या चेंज तो तत्व चेंज, ऊपर का चेंज होने से कोई मतलब नहीं, मेन है नीचे का। और ए में क्या अंतर होगा, जेड तो एक बढ़ गया, ए में क्या अंतर होगा, तो ए में क्या अंतर होगा ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन एक बढ़ा है तो न्यूट्रॉन एक घटा है। देख ले, न्यूट्रॉन से चेंज होकर प्रोटॉन बना। अगर 10 न्यूट्रॉन थे मेरे पास में, 10 न्यूट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 9 हो गया, और प्रोटॉन कितना हो गया, 11 हो गया। टोटल तो हमेशा एक और फिक्स है 20, यहाँ भी 20, तो मात्रा संख्या में कोई अंतर नहीं होगा बीटा निकलने पर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी तत्व से, किसी रेडियो तत्व से बीटा किरणें या बीटा किरण निकलती है तो उसके परमाणु संख्या एक बढ़ जाता है, लेकिन उसके मात्रा संख्या में कोई अंतर नहीं होता।